हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है एक मेले से। तो हम आए थे मेला देखने के लिए, रामलीला सोचा तो था देखने के लिए, बट रामलीला तो नहीं हम देख पाए, लेकिन हमने मेले में बहुत एंजॉय किया। अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। और एंटर करने से पहले ना नारियल पानी मुझे दिख गए थे, तो मैंने मनु को बोला मुझे नारियल पानी पीना है। अनाया को फोर्स कर रहे थे कि वो भी पी ले, लेकिन उसने नहीं पिया, उसको बहुत गंदा लगता है। प्रेगनेंसी टाइम पर तो मुझे भी बहुत ही बुरा लगता था, लेकिन उसके बाद जब भी पिया मुझे बहुत अच्छा लगा था नारियल पानी। तो और सबसे ज़्यादा तो मुझे बॉटल्स वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, बेशक वो इतना वो नेचुरल तो नहीं होता, नेचुरल तो ये वाला होता है, बट मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे सब बच्चों के मतलब की चीज़ें मिल रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत बड़ा मेला था। यहाँ पे होएगा रामलीला है ना, इतना बड़ा मंच है पूरा। अच्छा वो बताओ किसने खाया? तो यहाँ पे इतने डेंजरस झूले थे ना, सीरियसली अब डर लगता है बैठने में भी ना। पहले इस टाइप के तो नहीं होते थे इतने, बस हम ज़्यादातर तो कोलंबस में इंजॉय करते थे, और एक जो फेरिस व्हील है, लेकिन अब मैं हम इसमें नहीं बैठते, क्योंकि जब से हमने कुछ इसके ऊपर एक्सीडेंट्स देखे हैं ना, हादसे हुए तो देखे हैं, तब से ना अब डर बैठ गया, तो इसलिए हम फेरिस व्हील में तो नहीं बैठते हैं। और अब यहाँ पे हम कोलंबस में बैठ गए हैं, तो मनु की जान निकल रही है, और वीडियो मनु ने मना कर दिया था बनाने के लिए कि नहीं तो फ़ोन को अंदर रख दे, मुझे डर लग रहा है। और बहुत बड़ा कोलंबस था, और इसलिए फिर मैंने फिर अंदर सिर्फ एक दो सेकंड की क्लिप ली थी और उसके बाद रख दिया था। और यहाँ पे कुछ गेम्स हैं, कुछ गेम्स थी, और बस जैसे वही जो आम हम मेले में देखते हैं गेम्स, तो वही सब गेम्स थी। ये इतनी चलाकी से सारे सामान रखते हैं ना, जिससे कि रिंग किसी के भी ऊपर ना ढंग से नहीं आएगी। और इवन पता है क्या हुआ था, मनु का 100 नोट के ऊपर रिंग पूरी चली गई थी, बस कह लो बस आधा इंच का फर्क था, आधा इंच। और वो कहते हैं कि नहीं, रिंग पूरी की पूरी अंदर जानी चाहिए, ज़रा सा भी गैप नहीं होना चाहिए। और सामान इस तरीके से रखा हुआ है कि वो रिंग पूरी अंदर जा ही नहीं सकती, वो बेवकूफ़ बनाते हैं पूरा का पूरा। और उसके बाद हमने ये गन वाली गेम खेली, जिसमें हम बैलून को मतलब वो निशाना मारते हैं। तेरे मतलब की चीजें हैं यहाँ पर? नहीं, इस लाइन में। आप कह रहे हम दोनों के मतलब की है, मेरे मतलब की क्या है यहाँ? क्लचर देखो, सारे तेरे बड़े एक ले लिए, एक ऑर्गेनाइजर भी ले सकते हैं। दस रुपए है बेटा, चेक लगाओ। अच्छा ये देख, इयररिंग टॉप वगैरह सब कुछ ये मतलब है। अब करेंगे ना शॉपिंग, yeah। मिल गया मौका है ना। जैसे कंजक आ रही है ना, तो कंजक के लिए ये सामान ले लेते हैं, जैसे पेंस हो गए, और फ्लेचर्स भी ले लेते हैं हम उनके लिए, ठीक है ना। अब परसों ही गया अष्टमी, ले लेते हैं अभी आए हैं तो। हाँ तब बेकार।
और यहाँ पे सारे खाने के स्टॉल्स थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, सब कुछ था, पाव भाजी वगैरह, गोलगप्पे खाने का तो बहुत मन था। लेकिन अभी ना सच में डर लगता है खाते हुए भी कि कहीं इस मौसम में नुकसान ना दे दे और सारे फेस्टिवल हमारे ख़राब चले जाएँ, क्योंकि कई बार गला ख़राब होने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पे ये ड्रेसअप इन्होंने किया हुआ था और लक्ष्मी माता, दुर्गा माता और सरस्वती माता बन के वो बैठी हुई हैं। और रामलीला तो हो चुकी थी स्टार्ट, हम यहाँ से अब बस निकलने लगे थे और हमने यहाँ पे सिर्फ भेलपूरी खाई थी और फ्रूट चाट खाया था। फ्रूट चाट की मैं शायद वीडियो लेना भूल गई बिल्कुल। और यहाँ पे रामलीला चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा था देख के, मेरा तो मन था देखने का। हाँ लेकिन बस ये था कि हैट्रिक बहुत हो जाता, रात के कुछ 12 या 1 बज जाते हैं आराम से और फिर घर जाते जाते 2 बज जाते हैं हमें, तो इससे अच्छा तो फिर ना ही करो। और फिर हमें डिनर भी करना था और यहाँ से हमने और कुछ खाना नहीं था तो बाहर जाके खाना था, फिर सारा ना वो शेड्यूल ख़राब हो जाता। ऊपर से अनाया का भी मन नहीं था रामलीला देखने का। तो मेले के बाद हम आ गए थे रजौरी गार्डन, यहाँ पे सैंडोज पे डिनर करने के लिए। मनु के फ्रेंड भी आ गए थे, मतलब एक फ्रेंड आया है और उसकी वाइफ, वो मेरी फ्रेंड है, साथ में उनके बच्चे, तो वो आ गए थे। पहले तो हम ही पहुँचे थे, वो थोड़ा सा लेट आए थे, तो करीब हम यहाँ पे शायद 9:30 पहुँच गए थे और वो आए थे करीब 10 बजे के करीब आसपास ही आए थे। तो यहाँ पे हमने हॉट एंड सॉर सूप ऑर्डर किया था, मनु और मैंने शेयरिंग पे किया था। और स्नैक्स में हमने मंगवाया था क्या था, हनी चिली पोटैटो और स्प्रिंग रोल्स, तो ये था। और उसके बाद फिर हमें अपना डिनर में वही जो हम हमेशा मंगवाते हैं, जो सभी ज़्यादातर लाइक करते हैं, मखनी दाल और पनीर की सब्ज़ी थी। कौन सा पनीर था मुझे नहीं मालूम, मैं भूल चुकी हूँ अब, तो वो परसों की बात है इसलिए। तो बस वही अपना हमने इन्जॉय किया था और ये नूडल्स भी मंगवाए थे। और इसके बाद बस मैंने अपनी फ्रेंड के साथ कुछ 2-3 पिक्स ली थी और बहुत अच्छा लगा इनके साथ टाइम स्पेंड करके, बहुत टाइम बाद वैसे ही मिल रहे थे। तो डिनर करने के बाद हम अपने घर चले गए थे और इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं थोड़ी देर के लिए मम्मी से मिलने के लिए चली जाती, क्योंकि रजौरी आई थी, तो जब रजौरी आती हूँ तो बहुत मन करता है मम्मी से मिलने का। वैसे तो ऐसा कभी होता नहीं है कि मैं मिलने ना जाऊँ, लेकिन आज मजबूरी थी, हम मेला लेट गए थे और उसके बाद डिनर भी बहुत लेट करने गए थे, तो अपने घर मायके जाने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो मैं बाद में देखूंगी। अब आपसे मैं मिलती हूँ सीधा सप्तमी पे। सो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग, जय माता दी। यहाँ पे अभी बस मैं सुबह की पूजा करके फ्री हुई हूँ, जस्ट अभी 9:30-10 बजे मैंने पूजा स्टार्ट करी थी, तो अभी करीब शायद 10:30 हो रहे होंगे, 10:15-10 कुछ ऐसे ही हो रहे होंगे। बस अब तैयारी करूँगी ब्रेकफास्ट की, अनाया उठ चुकी है, उसको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ और उसके बाद मैं भी अपना उसके साथ साथ अपना ब्रेकफास्ट भी कर लूँगी। अपना तो व्रत वाला ही करूँगी क्योंकि आज मेरा फास्ट है, मैं पहला और आखिरी फास्ट रखती हूँ। तो ये है जो बहुत अच्छी उगी है, लेकिन ना आज देखा जाए तो आज अष्टमी है, दिन के हिसाब से देखा जाए तो आज अष्टमी है, तो अष्टमी तक ये जो इस तरीके से लटक सी जाती है यूँ। अब इनको कल अष्टमी है तो अब इसके बाद जब अष्टमी कर लूँगी उसके बाद इनको मैं बाहर रख दूँगी बालकनी में, फिर जैसे ही मनु का चक्कर लगेगा तो वो गौशाला रख के आ जाएंगे। वैसे तो कुछ लोग घर पे रख लेते हैं बट हमने कभी घर पे रखा नहीं है, तो इसलिए हम गौशाला देकर आएंगे। तो गाइज मैं आ गई हूँ किचन में, बस अब खाने की तैयारी करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं तो बनाऊंगी आलू का मटेरियल रेडी करना है, तो मनु और अनाया के लिए बनाना है और तो कुछ करना नहीं। उसके बाद मुझे फास्ट का खाना तैयार करना है, माता रानी को जो भूख लगेगा और हम सब जो भी रात को खाएंगे प्रसाद में, तो वो सब बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि मैं चेंज कर लेती हूँ और उन कपड़ों को पहन के ना काम नहीं किया जाता बिल्कुल भी मेरे से किचन में, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया है, क्योंकि 2-3 मिनट का काम हो, 10 मिनट का हो तो बात अलग है। मेरे को अभी 1-1.5 घंटा लगेगा किचन में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लग जाएंगे, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया। तो चलो मैं काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे आलू की परांठी की तैयारी कर रही हूँ और सिर्फ मनु और अनाया के लिए, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ही मटेरियल तैयार किया है। मेरा तो फास्ट है तो बस इनके लिए परांठी बना देती हूँ ताकि मैं अपना फ्री होके प्रसाद की तैयारी कर सकूं। तो हमारे यहाँ पे ना पहले नवरात्र पे और जो 7वां नवरात्र होता है यानी कि सप्तमी, तो इस 2 नवरात्र पे ना हमारे यहाँ हवन होता है
और हवन बहुत इजीली हो जाता है, ऐसा नहीं है कि पंडित जी को बुला के करना है, हम खुद भी कर सकते हैं। बहुत छोटा सा होता है और जिस चाहे आप हवन कुंड में करो, चाहे प्लेट में कर लो, चाहे आप एक डोंगा लेके कर लो, किसी के अंदर भी कर सकते हो। तो एक जो उपला आता है ना, गोबर का उपला जो होता है, वो डाल के उसके अंदर लौंग के जोड़े डाले जाते हैं देसी घी में डुबो के, और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स डाल दो, काजू बादाम किशमिश कुछ भी डाल दो, मिश्री वगैरह भी डाल सकते हो, और वो भी डाल सकते हो क्या होता है वो गोला, नारियल का गोला जो होता है वो भी डाल सकते हो, और बाकी कपूर हो गया। तो इन सब को डाल के हम हवन करते हैं और फिर जो उसका धुआं होता है वो पूरे घर में हम उसको लेके जाते हैं, उस धुएं को मतलब हवन कुंड को पूरे घर में घुमाते हैं इस तरीके से। तो हमने इस बार किया नहीं क्योंकि मेरे को ना इस बार कुछ दिनों से मेरे को थोड़ी सी मेरी ना सांस भारी है, जिस वजह से मैंने धुएं जैसी चीज़ों को अवॉइड किया, इवन कि मैंने धूप भी नहीं जलाई थी इस बार। और यहाँ पे मैंने अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है और अब मैं जो फास्ट का खाना है वो तैयार करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले साबूदाना भिगो के रख दिया था और इसे अभी मैं 1-2 घंटे के लिए भीगे रहने दूंगी, तेज़ गर्म पानी में करा है ताकि ये जल्दी हो जाए, नहीं तो इसको टाइम लगता है। यहाँ मैंने कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है, इसमें मैं सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। जो भी मैं व्रत का खाना बनाती हूँ उसके लिए मसाले नमक सब कुछ मैं अलग से यूज़ करती हूँ, एकदम फ्रेश। कुछ अलग रेसिपी तो कभी मैंने ट्राई करी नहीं है, साबुदाना के अलावा मैंने और कोई रेसिपी ट्राई अब तक नहीं करी। तो मैंने वैसे फास्ट का जो भी खाना बनता है उसमें ज़्यादा मैंने कभी भी अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई नहीं करी है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुट्टू के पकोड़े ही ज़्यादा लाइक करते हैं और साथ में कतली वगैरह, तो इसलिए मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ, कुछ भी अलग नहीं बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने अपने लिए अलग से एक सिंघाड़े के आटे की पूरी बनाई है और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ये आलू तो मैंने उबाली दिए थे ठंडा होने के लिए, इनको रखा था, ठंडे भी हो चुके हैं, ठंडे तो नहीं कोसे हो गए हैं, तो अब इनको मैं छील के इसमें डाल देती हूँ। तो ये सब मैंने मंगवाया था, कुट्टू का आटा, सामक के चावल और साथ में सिंघाड़े का आटा। तो ये सब का मैं अब प्रसाद तैयार कर रही हूँ और अब यहाँ पे मैंने सामक के चावल थोड़े से लिए हैं बिल्कुल, और इसे अच्छे से वॉश करके फिर दूध में डाल दूँ कि दूध उबल चुका है, तो साथ में सामक के चावल की खीर भी बनेगी। तो काफ़ी कुछ बना लिया था मैंने आज के दिन और फिर बाद में अफसोस भी किया कि क्यों बनाया इतना सारा, और क्योंकि ना थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। बस मुझे ये था कि कुट्टू के आटे के जो पकोड़े होते हैं वो नीचे मम्मी पापा को ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मनु को भी, और अनाया का मन था साबूदाना खाने का, साबूदाना की टिक्की, जिस वजह से फिर मैंने ऑप्शंस ही ऑप्शंस बना दिए, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई साबूदाना की टिक्की में से और कुट्टू के पकौड़े में से कोई एक चीज़ बनानी चाहिए थी। तो अगली बार से ऐसे ही करूँगी कि ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन ना लूँ। और यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली है, टिक्की की भी तैयारी कर ली और यहाँ पे मैंने कुट्टू के आटे का जो मटेरियल होता है ना उसे भी मैंने अच्छे से घोल के रख दिया है और पूरी के लिए आटा भी मल दिया। तो बस अब मैं वही सब तलने वाला काम कर रही हूँ और जब सब कुछ बन जाएगा फिर आपके साथ शो करूँगी कि मैंने क्या क्या बनाया। तो मैंने बनाया है आलू की सब्ज़ी, टमाटर वाले आलू की सब्ज़ी, कुट्टू के पकौड़े, यहाँ पे सामक के चावल की खीर है और सिंघाड़े के आटे की कतली है और ये साबूदाना की टिक्की हो गई और पूरी हो गई सिंघाड़े के आटे की। तो ये सब कुछ मैंने बनाया था और बहुत ही टेस्टी बना था, वैसे मानना पड़ेगा हमेशा प्रसाद बनता बहुत टेस्टी है। तो माता रानी के लिए यहाँ पे मैं थाली पे सारा जितना भी मैंने भोग बनाया है वो सब डाल के माता रानी को भोग लगाने लगी हूँ, और शायद 6 बज रहे होंगे, 6:15 कुछ ऐसे ही हो रहे होंगे क्योंकि इस टाइम मेरा आरती का टाइम हो चुका है, तो इसलिए मैं भोग की भी तैयारी कर चुकी हूँ।
तो सबसे पहले हमारी कंजक भवानी खाएगी, है ना ना यहाँ? कौन है हमारी कंजक भवानी? मैं खा ले। हाँ ये थोड़ा सा गर्म हो गया तेज, तो चलो खा लो, ठीक है। और ये ना वो है इमली की चटनी, ये व्रत वाली नित तो नहीं है, इसके अंदर मैंने क्योंकि मसाले डाल रखे हैं, और ये वैसे ही हम यूज कर सकते हैं, तो मैं तो नहीं खाऊंगी, ये नाया के लिए दे दी मैंने। तो चटनी इसको बहुत अच्छी लगती है, है ना? बस हरी चटनी की कमी है, और धनिया था नहीं तो फिर मैंने बनाई भी नहीं। बस अब मैं भी अपना खाना खा लूँगी, और अभी बस खाने लगी हूँ, गरम करने लगी हूँ। मुझे पहले 5 मिनट बैठ जाऊँ, फिर अपना गरम करके आराम से फिर बैठूँगी। अभी सिर्फ अनाया को दे दिया मैंने, नीचे भी अनाया दे आई है, बस अब रह गया मनु, और मैं तो अभी खा के फ्री भी हो जाऊँगी। और ये मेरे गोल्ड के जो इयररिंग्स हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। तो ये है मेरे गोल्ड के टॉप्स, बहुत ही प्यारे इयररिंग्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले। तो मनु अभी जस्ट ये लेकर आए हैं कंजक के डब्बे, और जो मिल गए बस ले आए। मनु को रात हो गई है लेकर आने में, मेरे को भी सच बताऊँ तो याद ही नहीं आया कि डब्बे भी मंगवाने हैं, तो बस मनु ये फटाफट से ये डब्बे लेकर आ गए हैं। तो कई बार कंजक के ज़्यादा भी आ जाती हैं तो फिर मैं उनको पैसे दे देती हूँ, क्योंकि डब्बे फिर ख़त्म हो जाते हैं। ये हैं 3 स्टेशनरी सेट, गुनगुन हनु और मेरे लिए। कुछ मेरे नए सब्सक्राइबर्स भी होंगे जिनको नहीं पता होगा गुनगुन हनु कौन है, वो अनाया के ताऊ जी के बच्चे हैं। और ये है 3 पेन्स, ये अनाया के लिए हैं पेन्स, इसने मंगवाए थे। कौन से वाले पेन है ये? अच्छा जो ऐसे ऐसे चलते हैं, यूं बोले ना, टिच टिच इसी में रख दूं? कल उनको देना, याद रखना, कई बार माइंड से निकल जाता देना, फिर बाद में देते हुए अजीब लगता है। और कल हम जैसे गए थे रामलीला देखने, नहीं वैसे रामलीला तो नहीं देखी थी, मेला देखने गए थे हम तो बेसिकली, तो वहां से ये सब सामान लेकर आए कंजक के लिए। तो ये 2 रबर बैंड्स का पैकेट है, और ये 20 ईच का मिला था, ये 20 का, और ये 12 पाउचेस, और ये 12 पाउचेस है अलग अलग कलर के लिए हैं। पिंक का तो एक ही लिया है, सारे ही रेड ले लिया हमने तो, नहीं गर्ल्स वाला 4 है। ये पाउचेस है, ये 20 ईच है पाउच, इसमें कुछ यूनिकॉर्न का डिजाइन है, कुछ डोरेमोन है, कोई स्पाइडर मैन है, इस तरीके से प्रिंसेस है, तो अलग अलग हमने ले लिए। और साथ में ये है पेन्स, सॉरी पेंसिल्स, पहले हमने पेन लिए थे, फिर सोचा कि कंजक तो सारी छोटी आती हैं तो उनको पेंसिल दे देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये बड़ी प्यारी सी लगी मुझे ब्लैक कलर की ना पेंसिल्स, बहुत ही प्यारी हैं। और ये वो वाली है जो जिनका हम सिक्का निकाल के पीछे नहीं डालते, ये वही वाली है। इसको कौन सी पेंसिल कहते हैं, मेरे दिमाग से निकली है, मुझे भी नहीं आता, छोड़ो कहते हैं कुछ। और ये मैंने अपने लिए पेंसिल ली है, ये भी पेंसिल है, ये अनाया ने अपने लिए ली है। और ये मैंने 2 क्लचर्स लिए हैं, पास दिखाओ। और ये मैंने 2 क्लचर्स लिए हैं, ये 2 ब्यूटी ब्लेंडर लिए हैं मम्मा ने अपने लिए, ये हमने अपने लिए क्लिप्स लिए हैं, जाने कहाँ घूम जाती हैं। हाँ ये जितने मर्जी यूज कर लो इनको, ये गुम ही हो जाती हैं, इनका बार बार हमें मतलब लगा लो कुछ मंथ्स में जाके हमें ये पैकेट एक लेना ही पड़ता है। डबल टेप लिए है, काम आ जाती है, हमारे तो काम आती रहती है, कुछ ना कुछ तो करती रहती है ना। हाँ, मैं तो, और दिवाली में भी काम आएंगी। हाँ तो ये सब सामान लिया था, अब इनको सेट करके रख देते हैं। अनाया एक तो ये बॉक्स पहले अच्छी तरह गीले नैपकिन से अच्छे से साफ करना है, मैं करूँगी। और यार मैं सोच रही हूँ कि इसको रात को ही ना पानी से धो के रख देते हैं। नहीं मैं कर लूँगी गीले नैपकिन से साफ, और ये पाउचेस भी सारे मैं ही बनाऊंगी। और याद है मेरी बर्थडे की टॉफी जितनी सारी पड़ी हुई थी, वो भी एक दो दो डाल दूँगी। कहाँ पड़ी है? निकाल दे, निकाल लूँगी। ये पाउचेस बनाना वो मेरा काम है, ठीक। सो गाइज बस यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे कल अष्टमी के व्लॉग में मिलेंगे, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज। तो मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ कि अनाया किस तरीके से कंजक जैसे कल आएंगी सारी, तो उनके लिए सारी पैकिंग एकदम रेडी करके रख रही है, ताकि कल हमारा एक तो टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि एकदम से सुबह सब आने लग जाएंगी। और अब मैं अपना
खाना खाने लगी हूँ, बहुत भूख लग रही थी और बहुत थक भी गई थी, तो बस खाना खाने के बाद तो करूँगी अब सीधा रेस्ट। सो बाय बाय एंड टेक केयर गाइज, जय माता दी।